नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। सरकारों ने किसानों को समाप्त करने की साजिश रची है। देश की राजधानी में किसानों ने एक साल तक विरोध प्रदर्शन किया। अगर आज वो कानून लागू हो जाता तो इतने किसान हाथ खड़ा कर ये बताने की स्थिति में नहीं होते कि वो खेती से जुड़े हैं। राज्य के अंदर 1200 से 1500 मिलीमीटर बारिश होती है। कई चेक डैम बराज बने हैं, लेकिन आज भी किसान बारिश के भरोसे हैं। कई लोगों का खेत खलिहान नालों में और डैम में चला गया। यह कहना है झारखंड के युवा सीएम हेमंत सोरेन का। मौका था सिकिदिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के शिलान्यास का। भूमि पूजन के साथ इसकी शुरुआत हुई। सीएम ने कहा कि इस योजना के निर्माण पर 484 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च होने हैं। पलामू के शिवाला घाट स्थित मंदिर में चोरी करने में शामिल दिलकश रोशन को दिल्ली से अरेस्ट कर लिया गया। इस चोरी कांड में शामिल तीन अन्य लोग पहले ही पकड़े जा चुके हैं। चोरी हुए लड्डू गोपाल की प्रतिमा गढ़वा के फरतिया से बरामद की गई। वही चोरी किया गया चांदी का मुकुट भी मिल गया। बीते 11 सितंबर की रात अज्ञात चोरों ने भगवान कृष्ण के गर्भगृह का ताला तोड़कर अष्ट धातु से बनी लड्डू गोपाल की मूर्ति और चांदी के दो मुकुट चोरी कर लिए थे। इस संबंध में मंदिर के पुजारी सुनील कुमार चौबे ने शहर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस कांड को पुलिस कप्तान ने गंभीरता से लिया। गुजरे 20 साल से अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतन भुगतान से जुड़े मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। झारखंड के चीफ सेक्रेटरी सुखदेव सिंह सशरीर कोर्ट में हाजिर हुए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का समाधान निकालने को कहा है। वही कोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाने को कहा है। इस कमेटी में झारखंड, बिहार और केंद्र सरकार के अवर सचिव रैंक के अधिकारी को रखने को कहा गया है। यह कमेटी अदालत को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 7 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। महाधिवक्ता राजीव रंजन की गुजारिश पर आगामी सुनवाई के दौरान चीफ सेक्रेटरी को सशरीर उपस्थित होने से मुक्त कर दिया गया। बीते कल वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे शानदार जीत हासिल की थी। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का अगला मैच 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली में खेला जाना है। इससे पहले भारत को गहरा झटका लगा है। इंडियन टीम के स्टार ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल फिलहाल अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले मैच से बाहर हैं। इस बात की जानकारी बीसीसीआई ने ट्वीट के जरिए दी। शुभमन गिल को डेंगू हुआ है, इसी के चलते वो रविवार को भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुए मैच में शामिल नहीं हुए थे। उनकी जगह बाएं हाथ के विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग की थी। दंपत्ति से लूटमार के वक्त ऑनलाइन 2400 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लेने वाले लुटेरे धरा गए। ऐसा कर लुटेरों ने पुलिस को खुद एक बड़ा क्लू दे दिया। पुलिस ने टेक्निकल सेल की मदद से इस कांड में शामिल 7 बदमाशों को अरेस्ट किया है। इनके नाम चंदन भुइया, अतुल कुमार, सुमित वर्मा, जोहन सिंह, राजू रंजन, विवेक उराव एवं संजय लोहार बताए गए। गिरफ्तार बदमाशों के पास से एक देसी पिस्टल और 3 जिंदा गोलियां और लूट के जेवरात बरामद किए गए हैं। लूटमार की वारदात लातेहार के सदर थाना क्षेत्र में लोटो गाँव में हुई थी। नदी के तेज बहाव में बह गए मोहित कुमार की डेड बॉडी करीब 13 घंटे बाद मिली। मोहित की लाश मिलने के बाद उसके घर में कोहराम मच गया। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। मोहित 8वीं का स्टूडेंट था। वह गिरिडीह के सरिया गांव का रहने वाला था। बीते रविवार को मोहित अपने 4 दोस्तों के साथ गिरिडीह के करो नदी में नहाने गया था। पानी की गहराई का पता नहीं चलने के चलते पांचों लड़के गहरे पानी में चले गए। उन्हें डूबता देख आसपास से जुटे लोगों ने 4 लड़कों को सही सलामत नदी से बाहर निकाल लिया, पर 15 साल के मोहित का कुछ पता नहीं चला। सोमवार को उसकी लाश नदी के तट पर पाई गई। 5 राज्यों में 679 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों की घोषणा आज हो गई है। इनमें मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना शामिल है। मिजोरम में 7 नवंबर, छत्तीसगढ़ में 7 से 17 नवंबर, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 23 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं 3 दिसंबर को सभी जगह पर गिनती होगी। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहराम लाइव.com के साथ।